warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-deena indallahi al-islam. Ahbab, aaj ke is daur mein ke jab har taraf se humko gaaliyan di ja rahi hain aur duniya ke bure alqab se humko mukhatab kiya ja raha hai aur koi humko khatme nabuwat ka baaghi keh raha hai aur koi hazrat-e rasoolullah ka gustakh keh raha hai aur koi aisi gaali nahi jo hame nahi saunpi jati. Poocho ye sare alqab kis liye, ye sari gaaliyan hame kis liye? Kehte hain aap imam-e kainat ka milad nahi manate isiliye ke tum aqa se mohabbat is tarah nahi karte jis tarah hum karte hain. Are tumhari mohabbat kaisi? Tumne samjha ke sirf ek din ke liye traliyon pe chadkar naron ko laga lena ya phir ड्रामे कर लेना या बाजारों को सजा लेना ये आका ए कायनात से मोहब्बत है? तो फिर ऐसी मोहब्बत हम करने के कायल नहीं, ऐसी मोहब्बत हमें नहीं चाहिए. हम मोहब्बत करने के कायल हैं उस तरह की मोहब्बत जिस तरह हजरत बिलाल ने की थी, उस तरह की मोहब्बत जिस तरह हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हो ने की थी. आज हमें गाली है इस बात पे, हम गुस्ताख तुम आशिक, किस बात के आशिक? सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल तो ये था कि आपके कानों में म्यूजिक की आवाज बढ़ी, कानों में उंगलियों को दाखिल किया. आज सरेआम तुम म्यूजिक तो कचला रहे कि इमाम कायनात यहाँ पे तशरीफ लाते हैं लोगों. और फिर हमें खत्म नबूवत के बागी कहा गया और इसलिए तुमने कहा हम खत्मे नबूवत के वारिस हैं. गुज़श्ता की बात नहीं करता, इसी हाल में इस्लामाबाद में इस रिजवी के जलसे से एक आदमी खड़ा हुआ, कहा अगर तुमने रसूल देखने हैं तो दो रसूल हमारे स्टेज के पीछे बैठे हैं, तुम्हारे ही थे कहन वाले. मानता हूं तुमने रोका उसे, कहा ऐसी बात ना कर, लेकिन मैं पूछता हूं तेरा मकसद क्या था? तू खत्मे नबूवत की तरमीम में गुलाम उनको सजा दिलवाने के लिए निकला था, तेरे स्टेज पे तेरी जमात के मौलवी ने ये बात कही, खत्मे नबूवत के चोर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मानता हूं तुझे रोका है, सजा क्या दी है उसे? तूने तो सजा के तौर पे उसे मैच से पीछे भी नहीं हटाया. ये तुम्हारी मोहब्बत? अरे सिर्फ जात से मोहब्बत. जब बात की बारी आती है, हजरत रसूलुल्लाह की बात को छोड़ देते हो, इमामों की बात मान लेते हो, फिर गुस्ताख हम? जाओ, अगर जात से मोहब्बत थी तो अबू तालिब ने भी मोहब्बत कम नहीं की थी इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से. लोग आए, कहा अबू तालिब तू आका कायनात की मोहब्बत को छोड़ दे वरना तुझे भी वही सजा मिलेगी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलती है. अबू तालिब ने क्या कहा था? मेरा भतीजा है, इस वजह से मैं उसकी मोहब्बत छोड़ने के लिए तैयार नहीं. शेबे अबू तालिब में 2.5 साल पत्ते खाए अबू तालिब ने आके कायनात के साथ, लेकिन जब फौत हुआ इमाम कायनात की जबान हरकत में आई, कहा कल क्यामत का दिन होगा अबू तालिब का दिमाग इस तरह खोलता होगा जिस तरह हंडिया खोलती है.
उसकी मोहब्बत काम लाई। मोहब्बत उसी की काम आती है जो आकाए कायनात के तरीके के मुताबिक हो, इमाम कायनात के फरमान के तरीके के मुताबिक हो। उसके अलावा किसी अंदाज से मोहब्बत की जाए, सरमाया लुटाया जाए, बाजारों को सजाया जाए, काबा के रब की कसम है, इस तरह की मोहब्बत आकाए कायनात को फायदा नहीं देती, हमें फायदा नहीं देती। इमाम कायनात आओ अल्लाह दा पंजाबी सुन लो, कोई नहीं मसला, हाँ जी चलो सुनो छोड़ो। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ऐलान करने मेरे नजदीक दीन होए जेड़ा इस्लाम है, इस्लाम तो अलावा मेरे नजदीक दीन कोई नहीं। यहूदियत लोगों की नजरों के अंदर दीन होएगा, ईसाईयत लोगों की नजरों के अंदर दीन होएगा, लेकिन अल्लाह फरमाते ने मेरे नजदीक वो दीन कोई नहीं, मैं वो दीन नहीं मानता। क्यों? इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन हो जेड़ा आसमान तो नाजल होया। दुनिया का दीन अल्लाह के नजदीक दीन कोई नहीं। कोई मालकी दे पीछे लग जाए, कोई हंबली दे पीछे लग जाए, कोई जाफरिया दे पीछे लग जाए, कोई किसे फिका दे पीछे लग जाए, अल्लाह ने उन्हें दीन नहीं क्या दीन होई है जेड़े आकाए कायनात दी जात ते नाज़िल होया। फरमाया इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सहाबा इकराम ने उन्दे ते अमल कर लिया, तकलीफा भी आईया, परेशानियां भी आईया, आकाए कायनात दी बात ओ फिरे कोई नहीं। दीन ओ ये मोहब्बत मेरे वीरा करनी ते इदां दी करया कर, अगर अतात करनी है ते इदां दी करया कर, एवें आपदे कोलो दीन बना के मोहब्बत दे दावे ना करया कर। अल्लाह दा कुरान सुन, फरमाया इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून वादन अलैहि हक्कन फित तौराति वल इंजील वल कुरआन व मन औफा बिअहदिहि मिनल्लाहि फस्तबशिरु बिबैइकुमुल लज़ी बायअ्तुम बिहि व ذلک الفوز العظیم। अल्लाह फरमांदे ने मैं दसना चाह रहा, अगर मोहब्बत करनी है तो आका दे यारां दी तरह मोहब्बत करया कर, अगर इताअत करनी है जिस तरह आका ने दस दिता उस तरह करया कर, आप देखो नो दीन ना बनाया कर। रसूलुल्लाह आए भी इस वास्ते ने उन्हां दी इताअत कीती जाए। फरमाया वा मा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, असी कोई रसूल नहीं भेजिया बल्कि इस वास्ते भेजिया। अल्लाह सोने रसूल कादे वास्ते आए ने? फरमाया उन्हां दी अतात वास्ते असी रसूल मबूस फरमाए ने। रसूल दा माना ही है कि दीन लेके आए, शरीयत लेके आए, ते लोग उन्हां दी अतात कर लिया कर। अज अकाली सलातो सलाम दिया गल्लां दे सामने अपने तरह तरह के कोल पेश किए जा रहे ने। आ मैं दसना चाह रहा सुलह हदाबियां दे मुकाम ते अकाली सलातो सलाम दे कोले शर्तां आईयां ने, आका ने ओ शर्तां कबूल कर लिया। हजरत उमर दौड़दे होए आए ने, कहंदे ने आका सोनिया सी हक ते आखे नहीं। आका फरमांदे ने तुसी जरूर हक ते हो। फरमाया अगर साडी लड़ाई होए साडे शहीद हो जान ओ जन्नत दे अंदर जानगे के नहीं? आका फरमांदे ने जन्नत दे अंदर जानगे। फरमाया अगर उन्हां दे कतल कर दिते जान ओ जहन्नम दे अंदर जानगे के नहीं? आका फरमांदे ने जरूर जहन्नम दे अंदर जानगे। ते हजरत उमर फरमांदे ने आका फिर झुकन दी केड़ी जरूरत है? फिर नीवियां होंदियां की जरूरतां ने? आका सोनिया इन्नियां नड़मियां इख्तियार करन दियां केड़ियां जरूरतां ने? अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह हजरत उमर दे मुंह तो अल्फाज निकले ने। आका फरमांदे ने आना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह दा रसूल हां, जो फैसला मैं
میں کروں گا وہی چلے گا جیڑا فیصلہ میرے نزدیک ہوئے گا وہ فیصلہ ہی چلے گا وہی معتبر ہوئے گا جیڑا حکم میں دوں گا وہی کم بنے گا او جتھے نبی دی رائے دے کے عمر دی رائے نہیں چل دی تے اج تیرے امام دیاں گلاں کتھوں چلن گیاں اج تیرے مفتیاں دے فتوے کیویں چلن گے تیرے پیران دی پیری کیویں چلے گی آ میں دسنا چاہ رہا حضرت عمر گئے نے حضرت ابو بکر صدیق دے کولے ای سوال کیتے نے حضرت ابو بکر فرماندے نے ہوا رسول اللہ او اللہ دے رسول نے جو فیصلہ کر دیتا او سانو منظور کرنا پوے گا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عمر دا دور خلافت آیا 20 سال دے قریب یا 11 سال دے قریب انہوں نے حکومت کیتی ہے بڑیاں نفلی باتاں کیتیاں نے حضرت عمر اللہ کے دعا کر دینے اللہ سونے اے میری نفلی باتاں دا فرد دعا اتنا دا ثواب میں دنیا تے نہ دیں بلکہ او جڑی صلح حدیبیہ دے مقام تے آقا دے نال بد کلامی ہو گئی ہے انہوں معاف کر دیں حضرت عمر آقا دے رائے دے سامنے اپنی رائے پیش کر دیں تے اپنی ساری زندگی دیاں نفلی عبادتاں اللہ دے حضور پیش کر کے معافیاں مانگ دے نظروں دے نے آ میں دسنا چاہ رہا میرے ویرہ تیرے کولو بھی نہ فرمانی ہو جائے گستاخی ہو جائے آقا دی بات کوئی تو نہ منے اللہ دے سامنے گڑ گرا لیا کر اللہ دے کولو معافیاں مانگ لیا کر اللہ معاف کر دے گا اللہ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اسی طرح دی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح امام کائنات نے صحابہ اکرام نے کی تھی آخر دعوانا الحمدللہ